नमस्कार, सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम कौन बनेगा मेयर में तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे पहले तमाम दर्शकों को बता दूं कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में जो समस्या थी, जो जन समस्या थी उनको लगातार लोगों के बीच में लेकर पहुँचे और अपनी राजनीतिक शुरुआत आम आदमी पार्टी से की है। इसके बाद शहर के लोगों की जन समस्या को देखते हुए नगर निगम द्वारा जो यूजर टैक्स हुआ या ट्रेड लाइसेंस हुआ या पानी टैक्स हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार आंदोलन किए और इस दरमियान शहर को बंद भी कराया। ये परिचय का मोहताज नहीं है, राकेश कुमार साहू हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेयर के चुनाव में वो आए कैसे। सबसे पहले राकेश जी, आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। राकेश जी, पहला ये सवाल, राजनीतिक में तो आप पहले ही कदम रख चुके थे, जन आंदोलन किए, क्या सोचकर मेयर की लड़ाई में उतरे हैं? आज जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के अंदर जो स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा था, हम जन्म भी यहीं लिए हैं, हमारे पूर्वज भी सभी लोगों का यहीं रहना सहना और मूल वासी हैं हम लोग, जिस तरीके से गरीब बूढ़वा से लेकर व्यवसाय वर्ग तक सारे लोग त्राहिमाम हैं आज, और जिस तरीके की राजनीति यहाँ पे चल रही थी नगर निगम में, मेयर बनाओ मेयर हटाओ अभी वो, उससे लोगों में इतना जन आक्रोश है और उसी के बीच में ये तरह तरह का जो टैक्स लेकर ये लोग आ गए। आम व्यवसाय ऐसे ही मरे पड़े थे कोरोना काल को लेकर, और एकदम तानाशाही रवैये में कि 2015 से लेकर अभी तक आपको जो है पेनाल्टी के साथ देना पड़ेगा 34,000, 30,000, 14,000, इस तरीके का वो नोटिस भेज रहे थे, और मानसिक जो दबाव लोगों के ऊपर बढ़ गया था जो हम आपको बता नहीं सकते। हम एक बार बैठकर मीटिंग कर रहे थे सोनरपट्टी इलाका में, वहाँ एक बुजुर्ग आए, वो रोने लगे, बोले कि देखिए मेरे पास 34,000 का ये नोटिस भेज दिया है और हम आज तक जो है कभी जो है नगर निगम का एक रुपया मेरे यहाँ बाकी नहीं है, और ये अब हमसे मांग रहा है, नहीं तो बोल रहा है हम सील कर देंगे। आप देखे होइएगा हर इलाके में जाकर दुकानों को सील किया जा रहा था, किसी तरीके का कहीं से कोई उनके लिए बोलने को तैयार नहीं थे। तब जो है हम लोगों ने एक पर्ची छपाया और जिसमें सारी बातों को लिखा कि 2017 में जब GST आया तो उस समय सरकार ने बताया वन नेशन वन टैक्स, और उसके तहत किसी भी व्यापारी को किसी भी तरीके का अब कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, ये बताइए जो आंदोलन कर रहे थे उस दरमियान लोगों का क्या क्या रिएक्शन था आपके प्रति? लोग अंदर से इतना कोऑपरेशन कर रहे थे, उनको तो लग रहा था कि हमारी आवाज़ उठाने वाला हमारे बीच का कोई आ गया है और जो चीज़ों को लेकर जा रहा है, और उनके अंदर यह जोश था कि राकेश भाई आप कहाँ से आ गए, कहाँ इतने दिनों तक थे, हम लोगों की आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं है, हम 10 साल पहले लाइन लिए हैं, 10 साल पहले किराए पे आए हैं, उस समय से हमको नोटिस भेज रहा है, हमको इतना 34,000, 40,000, 14,000 ऐसे लोग मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे। लोग रो पड़ रहे थे। ये बताइए कि अभी तो मेयर के प्रत्याशी की घोषणा आप कर दी है, राजनीति मतलब मेयर के चुनाव में मन कैसे बनाया आपने? ये हम लोगों ने लगभग 20 जगहों पे नागरिक संवाद एक कार्यक्रम चलाए, और नागरिक संवाद कार्यक्रम सारे आपके पास भी पत्रकार और सारे लोग आते थे, उसमें जन सैलाब उमड़ता था। सबसे पहला हम लोगों ने किया था सहनाई विवाह भवन में, उसके बाद मस्जिद चौक पे, उसके बाद ब्रह्मपुरा में, उसके बाद अभी हमने किया है यहाँ पे भारत माता चौक पे विवाह भवन है, बैजू साहब विवाह भवन, उसी तरह तमाम 20 जगहों पे हम लोग किए, और उसके बाद ये लोगों के मन में आया कि हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, चाहते हैं चीज़ें बेहतर हो, लेकिन फिर जो यहाँ पर गैप छूट जा रहा है कि अगर
जिस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं, लोग हमको बता पा रहे हैं, उसको किया कैसे जाए। जब तक वहाँ पे एक व्यवस्था में आप जाएंगे नहीं, तब तक ये जो कॉकस बना हुआ है उसके आप हटा नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। और तो मुजफ्फरपुर लोगों ने बताया, लोगों के अंदर आया कि भाई साहब आप आइए और यहाँ पर जो तरह तरह का जो विडंबना है, एक लोग जनता को लोगों ने समझ लिया है ठगने का जरिया, उनको भावनात्मक तरीके से कुछ कुछ बताकर इधर उधर कर कर जो है लोग उनको ठग लेते थे। उनका कहना है कि आज जिस तरीके से राज्य सरकार ने हमें मेयर चुनने का अधिकार दिया है, आज से पहले जो खेल चल रहा था राजनीतिक तौर पे, उसे नकार कर और हम लोग एकदम स्वच्छ व्यवस्था के तहत और स्वच्छ जो हमारे साथ खड़े हुए हैं उनके साथ हम खड़े होंगे। और उन्होंने हमें बताया कि आप खड़े होइए, आप इधर उधर की कोई चीज़ नहीं लेना है, हम लोग इसको आपको लेकर चलेंगे। ये बताइए, जो स्मार्ट सिटी घोषणा हुई उसके पास 5 साल का बोर्ड था, उसको क्या कैसे देखते हैं जो बोर्ड बीता है? ये जो जैसे आप भी जान रहे हैं, कुछ दिन पहले स्मार्ट सिटी सर्वेक्षण के लिए IIT से इंजीनियर आए थे और उन्होंने बताया कि जो स्मार्ट सिटी की गुणवत्ता है वो इतना दोषपूर्ण है कि जो नाला जाना चाहिए पूरब से पश्चिम की ओर, वो पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है। मतलब उल्टा दिशा में नाला का निर्माण कर दिया जा रहा है। और स्मार्ट सिटी का जो पैसा है, आप जितना भी यहाँ पर पोखर का जो जीर्णोद्धार हुआ है, आप एक बार उन्हें भी दर्शकों को दिखाइए, 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 25 लाख, ये सारे पोखर में लगा है। और जब भी आप दिखाइएगा तो आपको लगेगा कि वो पूरा पैसा जमी दोष हो चुका है, पूरा ध्वस्त हो चुका हुआ है। अच्छा ये बताइए कि जो स्मार्ट सिटी का जो फंड आया उसमें मात्र हमको लगता है कि 350 करोड़ के आसपास खर्च हुआ है। आपको क्या लग रहा है 1800 करोड़ खर्च नहीं कर पाता ये लोग? 1800 करोड़ खर्च कर देना वो उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि उनको किस तरीके से इसका बंटरबांट हो और उसकी व्यवस्था, इनको जनता जो है बहुत ही पैनी नज़र से देख रहे थे और इनको लग रहा था कि भाई यदि हम इसी तरीके से, अभी आप जान रहे हैं कि पूर्व मेयर अभी भी जो है कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये सभी लोगों के सामने है। और अभी जो मेयर जो गिरा कर कुछ दिनों के लिए बन गए, उन सभी लोगों की क्या स्थिति है पूरे समाज से, पूरे मुजफ्फरपुर की जनता से छुपे दोषी यहाँ पर। जब तक सिस्टम के अंदर एक स्वच्छ व्यवस्था नहीं होगा, स्वच्छ तरीके से चीज़ों को रखने की व्यवस्था नहीं होगी, एक वार्ड निर्माण समिति की व्यवस्था नहीं होगी, वार्ड विकास समिति की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। राकेश जी, एक अंतिम सवाल, जनता के बीच में तो आप जा रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंटेशन करते हैं? हम सिर्फ अपने कामों को बताते हैं कि हमारा, जब से हम इस मुजफ्फरपुर में हैं और होश संभाले हैं, तब से लोगों के बीच में जाकर, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बाढ़ कर्म में क्षेत्र हो, चाहे और भी जितने भी डिबेट्स होते हैं, युवाओं के बीच में जाना हो, पर्यावरण के लिए कुछ अगर कार्यक्रम करना हो, इससे हमारा सरोकार पहले से ही रहा है। लेकिन अभी तुरंत जो अभी 2-3 सालों में जो मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो ये लूट होने लगा है और लोगों के अंदर, पूरे शहर को आप देखेंगे वीरान कर दिया गया है, 200 साल पुराना पेड़ों को काट कर, और कोई वहाँ पर न हरियाली की बात है, न पेड़ लगाने की बात है, सबको एकदम निरंकुश तरीके से लग रहा है कि सारा चीज़ मर गया है एकदम। प्राथमिकता क्या देंगे आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो? मान लीजिए लोगों का प्यार मिला और मेयर के पद पर काबिज जो है, प्राथमिकता क्या देंगे? हमारी प्राथमिकता, समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन हमने जो अपना संकल्प पत्र दिया है उसमें सबसे प्रथम में लिखा है कि ग्रीन स्मार्ट सिटी, जो पर्यावरण से, जब तक कोई भी मनुष्य पर्यावरण से नहीं जुड़ेगा, उसकी संरक्षण नहीं करेगा, तब तक समाज और शहर का निर्माण मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पहला हमारा प्राथमिकता होगा 2 लाख पेड़ जो मुजफ्फरपुर के अंदर 49 वार्ड है उस पे हम उसको लगाएंगे, और जो
पूरे वर्ल्ड में जब प्रदूषित शहर की बात आती है तो हमारा शहर दुर्भाग्यवश एक नंबर दो नंबर पे आता है। उसको मैं ख़त्म करूंगा और जितनी भी जल जमाव की बातें हैं जो बहुत अभी आप देखेंगे तो मदलानी लेन से लेकर भीसी लेन से लेकर बहुत बड़ा बड़ा भवन है, लेकिन वहाँ पर जल जमाव के कारण लोग वहाँ पर रहने के लिए छोड़ के जा रहे हैं। आपको तकलीफ होगा, जल जमाव एक बड़ी समस्या है और यहाँ पर ऐसा कोई दूसरा नाला नहीं बना फर्दो नाला के बाद जो हमारी उतनी बड़ी जो जनसंख्या बढ़ रहा है मुजफ्फरपुर में उसको फिर ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकाला जा सके। अंग्रेज के समय का बना हुआ है। अच्छा, लास्ट चलते चलते एक अहम सवाल, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप एकदम सचेत रहें और किसी भी दिग्भ्रमित करने वाली बातों में ना आए और ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपके साथ खड़ा था, खड़ा रहेगा और आपके साथ फेस टू फेस 24 घंटा आपके लिए सरल उपलब्ध होगा और समस्या को आपके साथ जाके दूर किया था और दूर करेगा। ये थे राकेश कुमार साहू। इन्होंने जो इनकी पहली प्राथमिकता है कि ग्रीन स्मार्ट सिटी बनाना, ये इनकी पहली प्राथमिकता है और लोगों के बीच 24 घंटे खड़ा रहने का इन्होंने वादा किया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मैं सीजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही स्थित ICICI बैंक में 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े 14 लाख की लूट की। सकरा थाना क्षेत्र में हुए युवक हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी प्रेमिका और चचेरे भाई को किया गिरफ्तार। गायघाट की पुलिस ने बड़ुबनी चौक से कोदा गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य समाचारें। अब खबरें विस्तार से। पुलिस को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े 3 अपराधियों ने सरेआम गोबरसही स्थित ICICI बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया। 3 लोग थे सर, हम भी नहीं थे ब्रांच में। मेरे आने से पहले ऑलरेडी सारे लोगों को बंधक बना के रखे हुए थे। मैनेजर जो है कोई जवाब दे नहीं रहा है। मतलब ये आम जनता तो भी हम लोन जो अपना कंप्लीट हुआ है उसको सेक्शन करवाने आए थे, मान लीजिए उस तरह का तो गड़बड़ा जाता। जिले के सदर थाना अंतर्गत गोबरसही चौक पर स्थित ICICI बैंक में सोमवार की सुबह 3 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि लूट के वक्त बैंक में वरीय अधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण अपराधी बैंक का सेफ नहीं खोल सके। बैंक से पहुंचे अपराधियों ने बैंक कर्मियों को गन पॉइंट पर ले लिया, कहा कि हल्ला करोगे तो गोली मार देंगे। इसके बाद कैश काउंटर से 13,92,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर सदर थाना की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद नगर DSP राम नरेश पासवान भी मौके पर पहुंचे, बैंक कर्मी से घटनाक्रम की जानकारी ली। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। वहीं इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बैंक के समीप से पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक भी जब्त किया है। इधर ग्राहकों का कहना है कि बैंक सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। बैंक में एक सुरक्षा गार्ड भी है लेकिन उसके पास कोई आर्म्स नहीं था, इसके वजह से आरोपियों ने उसे भी भीतर लेकर रख दिया। इसके अलावा ग्राहकों को हाथ ऊपर करने को कहा, इस पर वे लोग एक तरफ हो गए। इसके बाद जमकर लूटपाट की, फिर मौके से फरार हो गए। बता दें कि बीते कुछ वर्ष पूर्व इसी बैंक में लूट की घटना हुई थी। मामले में नगर DSP राम नरेश पासवान का कहना है कि लूट की सूचना पर छानबीन करने पहुंचे हैं, लूट की रकम का मिलान कराया जा रहा है। सर, जब मैं बैंक में इन किया तो 2 लड़का आगे था, बाद बाकी स्टाफ जो थे यहाँ के और कुछ कस्टमर जो जमीन पे बैठे हुए थे, तो हमने पूछा कि लिंक नहीं है क्या, तो वो लड़का जो अपराधी था वो कहा कि बाबू लिंक है, सो आओ इधर पैकेट चेक करवाओ, उसके बाद अंदर चल के बैठो। तो एक साथी के पास मेरा 56,000 था जिसका पेन स्लिप मेरा भरा हुआ है और 15,000 रुपया हम अदर बैंक के लिए रखे हुए थे जमा करने के लिए, वो भी ले गए। मैनेजर जो है कोई जवाब दे नहीं रहा है। मतलब ये आम जनता तो भी हम लोन जो अपना कंप्लीट हुआ है उसको सेक्शन करवाने आए थे, मान लीजिए उस तरह का तो गड़बड़ा जाता। हम लोग आम जनता का तो सिक्योर नहीं है, इसकी बैंक जमा हाँ हम थे ही, हम भी थे,
उस समय तीन आदमी थे, हम लोग हैंड ऊपर कर लिए थे, सबको हैंड कर ऊपर करवा दिया गया था। वो तीन आदमी इंटर इनसाइड जो है अंदर में आया था, तीन आदमी जो हर पिस्टल या कुछ छोटा वाला बंदूक लिए हुआ था। गार्ड था कि नहीं था? गार्ड तो को बैठा गया था यहीं पर और हम लोग उस साइड थे। कितने संख्या में गार्ड थे? गार्ड तो एक ही नजर आ रहा था। सुरक्षा दृष्टिकोण से बैंक कुछ नहीं रहा था, बैंक का कोई सुरक्षा नहीं थी। अपराध कर्मी के द्वारा कुछ रकम के लुप्त की सूचना आ रही है, उसी में छानबीन के लिए आए हैं, आगे जैसा भी होगा। सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? कई कर्मचारी बोल रहे हैं कि गार्ड एकदम सुरक्षा व्यवस्था नहीं। नहीं, गार्ड था, बिना आर्म्स का था। हम लोग उसकी भी जाँच पड़ताल कर रहे हैं, हम लोगों ने बैंक रजिस्टर भी चेक किया है, उसको देख कर करके आगे बताए। वो हम लोग चेक कर रहे हैं अभी, जो जानकारी मिली है प्राथमिक है कि 15-16 की लाख की बात बताई जा रही है, अभी चेक कर रहे हैं। कितने की संख्या में अपराधी थे? वो सब हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग सब कर रहे हैं। तीन लोग थे सर, हम भी नहीं थे ब्रांच में। मेरे आने से पहले ऑलरेडी सारे लोगों को बंधक बना के रखे हुए थे। मेरे आने के बाद वो हमको भी सीधा आके बैठने के लिए बोले और गन दिखा के बोले कि देख लीजिए क्या है, ना जाके चुपचाप सीधा बैठ जाइए। कितना कैश ले गए? काउंटर पे जो भी कैश था सारा वो। कितने की संख्या में थे लोग? तीन लोग से थे। सीसीटीवी वगैरह भी कुछ रिकॉर्ड हुआ? हाँ, वही अभी चेक किया जा रहा है। क्या पर्चे हुआ आपका? डेप्टी ब्रांच में। सीसीटीवी डैमेज नहीं ना किया है? नहीं नहीं। अच्छा। स्टाफ को भी, मतलब जो स्टाफ है उन लोग को भी मारा है, चाबी वो भी सब फेंका है, जो भी ब्रांच का था पूरा। नहीं नहीं, धमकी दिया है कि एम्प्लॉय के सर पे गन भिड़ा के ये किया है कि ज्यादा ये करोगे तो। कितने देर पहले आए थे? सर मेरे आने से 10 मिनट पहले वो लोग आए। 10 मिनट ना, कितने बजे की घटना? एक्यूरेट टाइम हम नहीं बता सकते क्योंकि हम थे नहीं ब्रांच में। हम तो आए हैं तो खुद हम देखे हैं सारे ब्रांच को। ये सबको बंधक बना? हाँ, हमको भी मतलब बैठने के लिए कहा गया। सकरा थाना क्षेत्र में हुए युवक हत्याकांड के आरोपी प्रेमिका और चचेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर के सकरा के मारकन निवासी सुजीत की निर्मम हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। वह प्रेमी प्रेमिका के बीच में आ रहा था, इसको लेकर उसके चचेरे भाई और उसकी प्रेमिका ने मिलकर सुजीत की निर्मम हत्या कर दी। मामले में सकरा पुलिस ने जांच के क्रम में मामला उजागर कर दिया है, साथ ही हत्या के दोनों आरोपी तो प्रेमी और प्रेमिका को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को संबंधित कोर्ट में पेश किया गया, साथ ही सुजीत कुमार को मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू को साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि बीते 11 सितंबर से मारकन निवासी जगेश्वर राम का बेटा सुजीत कुमार गायब था। इसमें गोपीनाथपुर के मोहम्मद अरमान को आरोपित किया गया था। जांच के क्रम में तकनीकी सहायता एवं गुप्तचर के आधार पर मामला प्रेम प्रसंग का पाया गया। इसमें सुजीत कुमार का चचेरा भाई संजय राम एवं उसकी प्रेमिका नरगिस खातून की संलिप्तता हत्या में पाई गई। दोनों को छापेमारी कर पकड़ा गया, पूछताछ की गई। दोनों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। एसी खराब हो जाने पर एसकेएमसीएच के डॉक्टर मरीजों को नहीं देखते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में एसी खराब होने पर एक महिला चिकित्सक ने मरीजों को देखने से इनकार कर दिया। मरीजों की कतार बढ़ने पर वह मोबाइल में लगी रही, मरीज गुहार लगाते रहे। मामला मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिखा जा रहा है कि महिला चिकित्सक के सामने मरीजों की कतार लगी हुई है, जबकि कुछ मरीज बेंच पर लेटे हुए हैं, लेकिन वे मरीज को देखने की जगह मोबाइल में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर ने चैम्बर का एसी खराब होने से मरीज को नहीं देखा, मरीज देखने से इनकार कर दिया। इससे नाराज मरीज और उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इसकी सूचना पर पहुंचे सुरक्षा गार्ड ने मरीज और उनके परिजनों को समझा बुझा कर शांत कराया। इस बीच महिला डॉक्टर चैम्बर छोड़कर भी निकल गई। मरीज रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुकी, ना ही अपना पक्ष मीडिया को दिया। बताया जा रहा है कि रविवार शाम में दर्जनों मरीज और उनके परिजन डॉक्टर से दिखाने उनके चैम्बर पहुंचे थे, लेकिन महिला डॉक्टर एसकेएमसीएच के प्रबंधन से नाराज थी। एसी खराब होने को शिकायत की थी, लेकिन उसे ठीक नहीं कराया गया। इससे वह ड्यूटी पर आई, कुछ देर अपनी कुर्सी पर भी बैठी, हाथ में मोबाइल लेकर इस्तेमाल करते रही और चैम्बर से बिना मरीज देखे निकल गई। इस दौरान मरीज
रुकने की गुहार लगाते रहे, लेकिन वह नहीं रुकी। ये अभी दिन में यहाँ पर संज्ञान में आया है और वहाँ पर का भी जो बिजली की गड़बड़ी थी उसको ठीक करवा दिया गया है और एसी के लिए भी उसके वालों को कहा गया ठीक कर। ऐसे एसी न होने पर भी काम करना चाहिए, उनसे फिर हम लोग बात करेंगे। कोई जांच भी होगी इसकी? हाँ, उनसे पूछेंगे, उनसे उसके बाद जांच पड़ताल जरूरी होगी तो करेंगे। दूसरे चरण के नामांकन के तीसरे दिन कुल 7 पार्षद प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम के 49 वार्डों के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन सोमवार को समरणालय परिसर में प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भीड़ लगी रही। कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी के निगरानी के बीच में अपर समारता कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया की गई। नामांकन के तीसरे दिन पार्षद पद पर 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। वार्ड संख्या 6 से जफीर फरियादी, वार्ड संख्या 9 से मोहम्मद इमरा उद्दीन, वार्ड संख्या 25 से उमा शंकर पासवान, वार्ड संख्या 42 से ज्योति चौधरी, वार्ड संख्या 44 से अल्तमस राजीक, वार्ड संख्या 45 से प्रफुल्ल कुमार, वार्ड संख्या 45 से शिवा शंकर चौधरी ने पार्षद पद के लिए नामांकन किया है। जबकि नामांकन के दूसरे दिन 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था और पहले दिन 5 प्रत्याशियों ने पार्षद पद के लिए नामांकन किया था। अब तक शहर के विभिन्न वार्डों से 15 प्रत्याशियों ने पार्षद पद के लिए नामांकन किया है। हालांकि इन 3 दिनों में महापौर और उप महापौर के पद पर किसी प्रत्याशी ने नामांकन अभी तक नहीं किया है। प्रत्याशियों को 24 सितंबर तक नामांकन का मौका मिलेगा। इस चरण में नामांकन पत्रों की जांच 25 व 26 सितंबर को की जाएगी। आज 7 नामांकन हुए हैं, इसके पहले 8 नामांकन हो चुके थे। कुल 15 नामांकन आज तक में हो चुके हैं नगर निगम के लिए। पार्षद ही नहीं हुआ है किसी मेयर में? नहीं, अभी मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद में से कोई भी नॉमिनेशन नहीं हुआ है इन दोनों पदों के लिए। सिर्फ पार्षद पदों के लिए मैं नामांकन करता हूँ। अंतिम तिथि 24 तक है, 24 तक नामांकन दे सकते हैं, 25 को 26 को उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। एक घंटे की भारी बारिश ने शहर को फिर पानी पानी कर दिया। एक घंटे की हुई भारी बारिश से शहर एक बार फिर पानी में डूब गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाजार से लेकर गली मोहल्लों में 1 से 1.5 फीट पानी जमा हो गया है। लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं शहर की धड़कन मोतीझील कल्याणी स्टेशन रोड समेत शहर की प्रमुख सड़कें पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब गई है। जल जमाव से राहगीर दुर्घटना के शिकार हुए हैं। शहर के निचले इलाकों का सबसे बुरा हाल है। जिस नगर निगम पर शहर को जल जमाव से निजात दिलाने की जिम्मेदारी है, वह स्वयं डूबा हुआ है। बार बार जल जमाव से शहरवासी त्रस्त है। बार बार जल जमाव होने से शहरवासियों में भारी नाराजगी है। स्थानीयों का कहना है कि नाला निर्माण पर लाखों करोड़ों खर्च के बाद भी बारिश का पानी नहीं निकल पा रहा है। हर साल समस्या के स्थानीय निदान की बात होती है, लेकिन बरसात खत्म होते ही सब कुछ भूल जाता है। अब हालात देख लीजिए, डीएम ऑफिस जो कि जिला का ऑफिस है, यहाँ पर चुनाव हो रहा है, नॉमिनेशन लोग दाखिल कर रहे हैं और पूरा शहर पानी से मग्न है। और ये खास करके ये आ देखिए मोती झील कल्याणी क्या स्थिति है, जरा सा बारिश हुआ कि पूरा शहर जल मग्न हो गया। आज स्थिति बस से बदतर हुई है और कोई सुनने वाला नहीं। निगम की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा जल जमाव नहीं हो, लेकिन क्या कहिए? सभी कहने की बात है, इसमें कोई उपाय नहीं, कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। पता नहीं क्या होगा शहर का, अगर पानी अगर रात भर हो जाए तो मेरे ख्याल से नाव चलने लगा शहर में, शहर बद से बदतर हो गई। जबकि मानसून भी नहीं है, जबकि मानसून भी नहीं है, पानी भी नहीं। अभी पानी जरा से हुआ तो देख लीजिए आपके सामने है क्या स्थिति है, पूरा समरणालय में पानी घुस गया। कितनी परेशानी होती है बाजारों में? बाजारों में तो लोग पैंट उठा के, लेडीज़ लोग को जाकर देखिए साड़ी उठा के बेचारी चल रही है, घुटना भर पानी जम गया। अभी नर की स्थिति है, नर क्या बद से बदतर स्थिति है मुजफ्फरपुर। हमें तो प्रशासन से अपील है कि कम से कम इस पर तो ध्यान दें, कम से कम हम लोग को पानी से मुक्ति तो दिलाएं। सिर्फ टैक्स पे टैक्स ही लिए जा रहे हैं जनता से। मुख्य बाजार की स्थिति, मुख्य बाजार की स्थिति यह है कि घुटना पर पानी अभी जमा हुआ है। अभी मेरा जूता तो सब भींग गया, कोई उपाय नहीं है। अखाड़ाघाट रोड स्थित आड़ा मशीन गली में
नाला निर्माण के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी की निर्माण योजनाओं में तालमेल का अभाव और अभियंताओं की अदूरदर्शीयता शहरवासियों पर भारी पड़ रही है। स्मार्ट सिटी निर्माण कंपनी ने साल भर में एक प्रोजेक्ट पर सड़क की तीन तीन बार खुदाई कर दी है, जिससे शहरवासी इन बारिशों के दिनों में काफी परेशान है। पहले सड़क सीवरेज के लिए खोदी गई, फिर हर घर नल योजना के पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई की गई। अब शहर के 10 इलाकों में सीवरेज के मेन होल के लिए सड़कों को खोदा जा रहा है। इनके काम करने का आलम यह है कि एक दो दिन काम कर काम बीच में ही छोड़ देते हैं। अखाड़ा घाट रोड स्थित आला मशीन गली का हाल स्मार्ट सिटी के कार्यकलापों के द्वारा बेहाल हो गया है। 6 दिन पहले शिविर लाइन का दूसरी बार कार्य शुरू किया गया। 2 दिन तक तो काम हुआ, फिर बीच सड़क पर ही जेसीबी छोड़कर कंपनी के कर्मचारी काम छोड़कर नदारद हो गए। इस गली की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पिछले 2 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश से सड़क पर खतरनाक गड्ढे हो गए हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्मार्ट सिटी की इस लापरवाही से इलाके में लोगों की काफी परेशानी का सबब बनी हुई है। लोगों का घरों से भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मोहल्ले वासियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। स्कूली बच्चों को आने जाने में ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही का निदान निगम प्रशासन जल्द ही नहीं किए तो बड़ी दुर्घटना की संभावना बन सकती है। हम लोगों का आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। दो कस्टमर आते हैं तो गिर पड़ जाते हैं, इसलिए कस्टमर आना बंद कर दिए हैं। एक हफ्ता से ये परेशानी हम लोग भयंकर रूप से झेल रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई शिकायत और कोई निवारण आज तक नहीं हो चुका। अब क्या करें क्या नहीं करें हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ, परेशानी क्या हो रही है? परेशानी चलने फिरने में दिक्कत है। चाहो तब गद्दा उद्दा खोद कर रख दिया गया, हर जगह पानी जमा होने लगता है, कस्टमर कोई भी आते गिर पड़ जाते हैं। अब इस मोहल्ले में कितने वर्षों में लाइन में काम हो चुका है? इसमें काम कहाँ कुछ हुआ, बस आधा अधूरा काम होता है फिर छोड़ देता है। पूरा काम कोई भी कम्प्लीट नहीं हुआ अभी तक। जी, ये अभी कितना दिन से काम बंद है? एक हफ्ता हो गया काम बंद हुए। क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं क्या, बोला हाँ हो रहा है, आते हैं नहीं, आते हैं देख के चले जाते हैं। बस 6-7 दिन पहले खून खान के चले गए। चलने के बाद इसमें छोटा छोटा बच्चा लोग आ रहा है, नाली खोद दिए, छोड़ दिए, बच्चा सा गिर रहा है, मोटरसाइकिल से एक आदमी गिर गए हैं और कोई नहीं रिस्पॉन्स है। बरसात का समय है, एकदम गड्ढा गुड्ढी करके छोड़ छाड़ के चले गए हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट हो रहा है, बाहर में गड्ढा बना हुआ, पानी लगा हुआ है, नाला निकासी का कोई इसमें काम नहीं हो रहा है। अभी कितना बार इस रोड में काम हो चुका है? काम ये दूसरा बार हो रहा है, लेकिन कोई इतनी सफाईया नहीं है। अभी कितना दिन से काम बंद है? एक हफ्ता से काम बंद है। ऐसे ही पर रोड खुल के रखा हुआ? ऐसे ही खुला हुआ पड़ा हुआ है। डर भी होगा? डर सब लोग का डर है, रात भी आदमी लोग सोच समझ के चलता है। अभी फिलहाल अभी तुरंत 2 घंटा पहले यहाँ लोग गिर गया है। परेशानी हो रही है, नाला का निकासी नहीं है, पानी का दम रोड पर पानी लग रहा है। टैक्स का काम हो नहीं रहा, यूजर टैक्स नगर निगम उछल रहा है, अब पानी के नाम पर उछल रहा है, सफाइया नहीं हो रहा, ना नाली निकासी हो रहा। करीब 6 दिन से क्या बोल रहा है? आज हो जाएगा कल हो जाएगा, विकास के नाम पर तो लूट हो रहा है, नगर विकास के नाम पर स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। हाँ, नगर निगम कुछ नरक निगम हो गया। वो तो कितना डर लग रहा है, रात में तो चलने में दिक्कत हो रहा है, लेकर लोग बार बार गिर जा रहा है, किचन में लोग गिर रहा है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY,
ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरियागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST इंटरनेशनल स्कूल, इफ यू वांट टू गिव योर चाइल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन, द स्कूल ऑफ योर ड्रीम, प्ले टू 10th बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 एंड 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है।
फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैक बेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। नगर थाने के मालपुर निवासी ने अपने ही साढ़ू पर ठगी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई। वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के मालपुर निवासी हेमंत झा ने नगर थाना में आवेदन देकर अपने ही साढ़ू जितेंद्र झा पर रुपए ठगने और पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। हेमंत झा का आरोप है कि साढ़ू ने व्यवसाय करने के नाम पर मेरी पत्नी से 7,50,000 रुपए नगद समेत 6 भर सोने का जेवर, जिसकी कीमत 3,50,000 है, ठग लिया है। जब हम लोगों ने इसे वापस मांगा तो साढ़ू ने हम लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने हम लोगों को धमकी दी कि मुजफ्फरपुर से भगा देंगे। मेरा सरयागंज टावर पर रेडीमेड कपड़े का दुकान है। हम लोगों को डर है कि कहीं कुछ करना दे। वहीं साढ़ू ने प्रताड़ना से मेरी पत्नी बीमार हो गई है। हाल में ही दिल्ली एम्स में इलाज कराकर वापस लौटे हैं। दिल्ली से वापस आते ही फिर से साढ़ू ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। वो मेरे साढ़ू से अपने छोटे साढ़ू हैं वो, ठीक है। तो मेरी वाइफ, 6 बहन है, चौथा नंबर हम हैं, और मेरे छोटे वो है। ये मेरे वाइफ से समय समय पे जो होता है पारिवारिक दृष्टिकोण से, ये अपना पैसा वैसा चाहे कुछ भी मदद वगैरह लेते थे, अपना मॉल एक बना रहे थे उसमें करते थे, तो सारा पैसा तो हम उनको स्टेटमेंट में ही दिए हैं। और गहना जेवर जो भी था वो मेरे जानकारी के बिना ये लेके गए। और जब इनसे मांग होने लगी, जब इनसे पैसे की मांग हुई चाहे कुछ भी हुआ, उसके बाद से ये मैंने धमकाने लगे, गाली गलौज, गंदी गंदी गालियाँ वगैरह देने लगे। इनका ये सब जो चीज़ है इतना बढ़ गया कि मेरी वाइफ का ऐसा परिस्थिति हो गया कि मतलब दिल्ली एम्स में भी हमको लेके जाना पड़ा है, दिल्ली एम्स में भी इलाज चला है। उसके बाद जब उनको सारा हालात मालूम है, सारा चीज़ मालूम है, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन दे के, मेरे पास बहुत सारा ऐसा चीज़ है, सबूत है, उनका रिकॉर्डिंग किया हुआ चीज़, दादागिरी करते हैं, बोलते हैं मुझे मुजफ्फरपुर से उजाड़ देंगे, तुमको ये कर देंगे। ये एक एक मेरे ही साथ नहीं, हमको अब पता चल रहा है कि ऐसा ये इनका कईयों के साथ है धंधा, ये इनका काम ही है यही। क्या नाम हुआ आपके साढ़ू का? जितेंद्र झा। निवास स्थान का? वो बालू घाट रहते हैं। लगभग हाँ, FIR हम कर दें नगर थाना में। हमको धमकी उमकी दिए, हमारे अभी हम एडमिट करा के ICU से अभी डिस्चार्ज करा के हम ले आ रहे हैं। ये सारा चीज देखिए क्या हुआ है आपकी पत्नी को? उनको नीरो का प्रॉब्लम हुआ है, जो ये क्या कि इनका कोई पारिवारिक समस्या था उसमें ये इन्वॉल्व नाम कर दिए। उसके बाद पंचायती एक साल पहले बहुत सारा चीज़ किए। मेरी बेटी का जन्मदिन था 3 अगस्त को, उस दिन ब्रेन स्ट्रोक हो गया इनको, तो यहाँ से हम गए तो ये प्रसाद में भी दिखाए थे रात में इमरजेंसी में। उसके बाद लेके भागे अजीत कुमार के यहाँ पटना 4 तारीख को, उसके बाद दिल्ली एम्स रेफर किया, वहाँ इलाज किया, सब कुछ। पैसा का मतलब लेन देन हुआ? देखिए मेरे वाइफ के हाथ से तो है ही
साथ में ये इतना बड़ा फ्रॉड आदमी है कि मेरे रिलेटिव से भी ये वाइफ को कन्विंस करके ये ले लिया। मेरे रिलेटिव का लगभग 2.5 लाख रुपया है। गायघाट की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ुबनी चौक पर छापेमारी कर कोढ़ा गिरोह के 3 सक्रिय लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार के कोढ़ा इलाके के युवक दूसरे जिलों में जाकर जमकर लूटपाट करते हैं। कोढ़ा गिरोह के युवक ज्यादातर पर्व त्योहार में एक्टिव हो जाते हैं। वे दूसरे जिलों में जाकर बैंकों से निकासी करने वाले लोगों से रास्ते में लूट व छीनतई की घटना को अंजाम देते हैं। डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि मुजफ्फरपुर के गायघाट पुलिस ने बड़ुबनी चौक से कोढ़ा गिरोह के 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने अय्यापुर सदर गायघाट बुचहा व कांटी थाना क्षेत्र में हाल में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। गिरफ्तार 3 शातिरों के पास से पुलिस ने लोडेड पिस्तौल और गांजा बरामद किया है। आरोपियों में कटिहार के कोढ़ा थाना के पंकज कुमार, सुबोध कुमार और करण कुमार शामिल है। इनके पास से 1.72 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। बताया गया कि गिरोह के 3 शातिर कटिहार से गांजा लेकर मुजफ्फरपुर में बेचने का काम करते हैं, फिर हाईवे पर लूटपाट कर वापस कटिहार चले जाते हैं। जानकारी के अनुसार यह गिरोह सबसे ज्यादा पर्व त्योहार में सक्रिय हो जाते हैं। पर्व के समय गिरोह के शातिर दूसरे जिले में जाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। मामले में थानेदार अनुप कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान 2 मोटरसाइकिल से 3 युवक सड़क किनारे खड़े थे। पुलिस गाड़ी देखकर तीनों भागने का प्रयास करने लगी। किसी तरह तीनों को पकड़ा गया। पकड़ाए तीनों युवक से पूछताछ की गई। पूछताछ में तीनों ने बताया कि वे लोग कटिहार के कोढ़ा थाना इलाके के हैं। वे लोग मुजफ्फरपुर में गांजा बेचने आए हैं। बेचने के बाद हाईवे पर लूटपाट कर कटिहार चले जाते हैं। तलाशी के क्रम में तीनों के पास से लोडेड पिस्तौल व गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद तीनों को थाने ले आया गया। तीनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। गायघाट से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, गायघाट थाना अंतर्गत 2 युवकों को डिटेन किया गया है, उनको निरुद्ध किया गया है और उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और अग्रेतर जो भी जानकारियां हैं वो इकट्ठा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इनोवेल क्लब के सभी विंग ने संयुक्त रूप से जिला बार एसोसिएशन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। जिला बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में सोमवार को इनरविल क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, इनरविल क्लब ऑफ पुष्पांजलि, इनरविल क्लब ऑफ लिच्छवी और जागृति के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में डॉक्टर HN भारद्वाज ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक किया और इससे बचाव के उपाय बताए। अध्यक्ष सिल्की सिन्हा ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन में आज हम लोगों के द्वारा सेनेटरी वेंडिंग मशीन लगाया गया है, जिससे दूर दराज से आने वाले महिलाओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे भी हम लोगों के द्वारा ऐसे ही जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आज यहाँ जिला बार एसोसिएशन में हमारा क्लब संयुक्त रूप से इनर वी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, जागृति, लिच्छवी के साथ वेंडिंग मशीन लगाया, सैनिटरी वेंडिंग मशीन, जिससे महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी। जो भी बाहर से लोग आते थे उन्हें खास करके बहुत दिक्कत होती थी, इससे उन्हें बहुत सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ एक जागरूकता प्रोग्राम भी किया गया है, जिसमें डॉक्टर HN भारद्वाज ने बहुत अच्छे से सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया, उससे कैसे हम लोग लड़ सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। आगे भी उम्मीद करेंगे हम लोग ये सारा प्रोग्राम जागरूकता का और कोई भी वेंडिंग मशीन या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी यहाँ तो हम लोग उसे पूरा करेंगे। संगीता साही ने भी बहुत हमें रिक्वेस्ट किया है यहाँ आने के लिए, तो उनका बहुत आभार रहेगा। उनके बिना सपोर्ट के यहाँ पे पूरा प्रोग्राम पॉसिबल नहीं था करना। धन्यवाद। इनरविल क्लब, चारों क्लब, पुष्पांजलि, लिच्छवी, जागृति और मेन इनरविल क्लब जो है मिल के यहाँ वेंडिंग मशीन लगाया गया है, ताकि यहाँ जो महिलाएं काम करती हैं उनको कभी अगर इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जगह खोजना पड़ता था जो हाँ कहाँ जाके मैं थोड़ा सा चेंज करूं। और यहाँ डॉक्टर HN भारद्वाज सर सर्वाइकल कैंसर पे अवेयरनेस जागरूकता प्रोग्राम भी किया गया है, जिसमें उन्होंने बीमारी के बारे में जानकारी दी, जो उसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे बचाव किया जाता है। आगे भी हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे, जैसे कि संगीता जी यहाँ की हैं, उनके साथ से हुआ है प्रोग्राम और उन्होंने कहा है जो यहाँ कुछ जांच वगैरह करवाएं, डॉक्टर के द्वारा कैंप लगवाएं और एक उनको बाथरूम भी चाहिए। लेप्रो
पड़ोसी मिशन अस्पताल में भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस तक पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत सोमवार को जिला भाजपा के द्वारा कन्हौली स्थित लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल में भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार और अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा दिव्यांग जनों के सहायतार्थ कृत्रिम उपकरण एवं फल का वितरण किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में आज वृद्धजन और दिव्यांगों के बीच कृत्रिम अंग और फलों का वितरण किया जा रहा है। दिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम मना रही है, जिसके तहत आज कृत्रिम अंगों का हम लोगों का वितरण करने का कार्यक्रम था। इसके तहत आज हम लोग लेप्रोसी मिशन मुजफ्फरपुर में आए हैं और यहाँ पर लोगों को बैसाखी वॉकर ये सब उपलब्ध कराए हैं। साथ में पूरे हॉस्पिटल में हम लोगों ने आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मरीजों के बीच में फल वितरण का भी कार्यक्रम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन सेवा के रूप में मना रही है। हम लोग किसी प्रकार का लड्डू और केक काट करके प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, बल्कि सेवा भाव से जितनी सेवा करेंगे प्रधानमंत्री जी को उतनी अधिक शुभकामनाएं मिलेगी, लोग उनके लिए कामना करेंगे कि दीर्घायु हो। इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को चला रही है और आगामी 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम निरंतर किसी न किसी रूप में चलता रहेगा। छात्र जेडीयू के सदस्यों ने संगठन को विस्तार करने के लिए विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में बैठक की। बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में सोमवार को छात्र जेडीयू ने एक बैठक की, जिसमें बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज में छात्र जेडीयू का संगठन विस्तार किया गया। साथ ही छात्र जेडीयू ने इस बैठक में सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की। जेडीयू के सभी पदाधिकारियों को सदस्यता ग्रहण करवाया गया। बैठक में अध्यक्ष निकेश कुमार ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के सभी पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान चलाने का दिशा निर्देश दिया और अधिक से अधिक सदस्य बनाने पर जोर दिया। सदस्यता लेने वाले में गोलू ठाकुर, रोहित वर्मा, अंकित कुमार, मोहम्मद फयाज, सुधांशु कुमार, राहुल कुमार, दीपक कुमार, शुभम कुमार, दीपक कुमार, सुमन मंडल, आदित्य चौहान, रमन कुमार, राजकुमार, रौनक कुमार, विकास कुमार, सूरज कुमार, हेमंत कुमार, आदर्श कुमार, अंशु कुमार आदि छात्रों ने सदस्यता लिया। का कार्यक्रम जो छात्र जदयू बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न महाविद्यालय में जो बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं उसमें छात्र जदयू के कमेटी का विस्तार किया गया, उसके साथ विश्वविद्यालय में भी कमेटी का विस्तार किया गया और छात्र जदयू का जो सदस्यता अभियान शुरू हुआ है उसको आज यहाँ विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से इसका शुरुआत किया गया और सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें बहुत सारे छात्रों को छात्र जदयू का सदस्यता ग्रहण कराया गया और ये कार्यक्रम 1 महीने तक लगातार चलते रहेगी। हम लोग विश्वविद्यालय के हर विभाग में सदस्यता अभियान चलाएंगे, उसके बाद महाविद्यालय तक सदस्यता अभियान चलाने का काम करेंगे। जो हर किसी को इसका दायित्व बांट दिया गया है कि सभी अपने अपने महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय के सभी विभागों में सदस्यता अभियान चलाने का काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। कलमबाग चौक बंगाली कॉलोनी से भक्तों ने साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली। सोमवार दोपहर 4 बजे कलमबाग चौक स्थित बंगाली कॉलोनी से साई पालकी यात्रा निकाली जा रही है। विगत 5 वर्षों से ये पालकी यात्रा बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ निकाला जाता रहा है। हजारों की मात्रा में साईं बाबा के भक्त नाचते गाते इस यात्रा में शिरकत करते हैं। ये यात्रा बंगाली कॉलोनी से निकलकर साईं मंदिर का दर्शन करते हुए पार्वती सिनेमा हॉल से अघोरिया बाजार गोलंबर तक जाकर वापस लौट कर साईं स्थान बंगाली कॉलोनी में अपने गंतव्य स्थान पर आएगी। यात्रा के आयोजक सीखा बनिक और राम बनिक ने बताया कि बाबा को 56 भोगों से भोग लगाया जाएगा। रात्रि में श्रद्धालुओं के लिए महाभोग का प्रबंध किया गया है। इसमें लाखों श्रद्धालु बाबा का महाप्रसाद ग्रहण करने हर वर्ष उपस्थित होते हैं और भक्ति भाव से बाबा का जयकारा लगाते हैं।
यहाँ करीब 5 साल से ये यात्रा माने साईं बाबा का यात्रा निकाली जा रही है। कहाँ से निकाली जा रही है? ये गन्नीपुर बंगाली टोला। किसकी क्षेत्र में जाएगी ये यात्रा? किसकी क्षेत्र होते हुए यात्रा सफल होगी? गन्नीपुर होते हुए कलमबाग चौक होते हुए चतुर्भुज मार्ग होते हुए। अच्छा, कितने भक्तजन आते हैं और क्या कहिएगा? कितने भक्तजन की मौजूदगी होती है और क्या कुछ कहिएगा इसके बारे में? ये बहुत सारे भजन की मौजूद होती है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ बंगाली लोग हैं। अच्छा, और माने बिहारी लोग हैं, सभी माने सभी मिलजुल कर ये यात्रा निकाली, यात्रा सफल होती है। और क्या कार्यक्रम में क्या कुछ और भी? ये भंडारा है शाम को 7 बजे से भंडारा, यहाँ सब भंडारा माने सभी के लिए। हाँ। क्या परिचय हो गया? नाम क्या हो गया? आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।